हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी XHA105 ब्लूटूथ TDA7498 ऑडियो एम्पलीफायर से साउंड ड्रॉपिंग प्रॉब्लम या नॉइज हमिंग प्रॉब्लम की वजह से परेशान हैं, तो मेरी आज की वीडियो कंप्लीट देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है और इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप मेडिकल वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं और दवाइयों के हवाले से उनके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो मेरे दूसरे चैनल फार्मा मेडिकल केयर को यूट्यूब पर सर्च करें और मेरी मेडिकल वीडियोस भी ज़रूर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई सजेस्ट कि आप इस ऑडियो एम्पलीफायर के साथ अच्छी क्वालिटी की DC पावर सप्लाई यूज़ करें। एंड आई रेकमेंड कि आप इस ऑडियो एम्पलीफायर को DC 19 वोल्ट से DC 22 वोल्ट तक ऑपरेट करें। DC 12 वोल्ट पर आपको इस ऑडियो एम्पलीफायर से मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिलेगी, इसलिए आई रेकमेंड कि आप इस एम्पलीफायर मॉड्यूल को लैपटॉप के चार्जर से ऑपरेट करें, जो कि DC 19 वोल्ट प्रोवाइड करता हो। इसके अलावा आई सजेस्ट कि आप इस ऑडियो एम्पलीफायर के DC इनपुट वाले टर्मिनल्स के साथ 50 वोल्ट 6800 UF का कैपेसिटर भी अटैच करें, ताकि इस ऑडियो एम्पलीफायर को DC सप्लाई प्रॉपर फिल्टर आउट होके मिले और आपको साउंड ड्रॉपिंग प्रॉब्लम भी ना आए। ये थे कुछ फैक्टर्स जिनकी वजह से आपको इस ऑडियो एम्पलीफायर से साउंड ड्रॉपिंग या नॉइज़ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप इन तमाम बातों का ख्याल रखकर इस ऑडियो एम्पलीफायर को ऑपरेट करेंगे, तो आपको किसी किस्म की नॉइज़ प्रॉब्लम, हमिंग प्रॉब्लम या साउंड ड्रॉपिंग प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।